सोनू के ट्यूटी की स्वीटी की सफलता के बाद कार्तिक आर्यन के हाथ कौन सी दो बड़ी फिल्में लगी हैं? आपका स्वागत है बॉलीग्राड के गलियारे में। कार्तिक आर्यन दिनेश विजन की फिल्म लुका छुपी के अलावा सुपरहिट कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी के हिंदी रिमेक में भी नजर आने वाले हैं। कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी के हिंदी रिमेक के लिए कार्तिक आर्यन और जैकलिन फर्नांडिस का नाम फाइनल कर दिया गया। इस फिल्म के जरिए दोनों पहली बार साथ काम करेंगे। 2016 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट के एक ग्रुप के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म के लिए कार्तिक का नाम पहले ही फाइनल किया जा चुका था। कार्तिक जहां स्टूडेंट्स का रोल प्ले करेंगे, वहीं जैकलिन एक पुलिस अफसर की बेटी का रोल निभाएंगी। अभिषेक जैन के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म के इन दिनों स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन चल रहे हैं, जिसमें सभी कलाकार भाग ले रहे हैं। जल्द ही इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी। सुनने में आया था कि पहले ये रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा को ऑफर किया गया था, लेकिन वे इससे पहले ए जेंटलमैन में जैकलिन के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में कार्तिक को इस फिल्म में कास्ट किया गया। इस फिल्म के अलावा कार्तिक प्रोड्यूसर दिनेश विजन की अगली फिल्म लुका छुपी में कीर्ति सेनन के अपोजिट दिखाई देंगे। उनके साथ भी वे पहली बार ही काम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।